15 साल से आप हैं एमसीडी में। मैं सत्येंद्र जैन का पहले पढ़ दूं 10 सेकंड में और उसके बाद में एमसीडी पे। आपने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग ऐसे डिसरप्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे। सत्येंद्र जैन पर बहस हो रही थी, उसी के आगे में वो इसके ऑर्डर पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ने दीजिए। कोई बात नहीं, चिल्लाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है। प्लीज देखिए अंजना जी, सत्येंद्र जैन एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे कहा गया कि आप जजमेंट का वो हिस्सा पढ़िए, 118 नंबर पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। In the light of a aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant or accused. देखिए अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोला था। अंजना जी, this is not fair. This is not fair. लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस नहीं होगी। बिल्कुल क्यों, भ्रष्टाचार पर ही तो हो रहा है। होना चाहिए अंजना जी, नगर निगम में जो ये लैंडर पे पैसे लेते हैं उसमें बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्लीज, इन द लाइट ऑफ एयरपोर्ट से जज पढ़ रहे हैं, इन द लाइट ऑफ एयरपोर्ट कौन सा जज है अंजना जी, ये क्या बिहेवियर है, ये क्या बिहेवियर है हाई कोर्ट जज का। इन द लाइट ऑफ एयरपोर्ट से डिस्कशन, इट हैज प्राइमा फेसी कम ऑन रिकॉर्ड दैट एप्लीकेंट और अक्यूज सत्येंद्र कुमार जैन वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन कंसीलिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बाय गिविंग ईच ऑफ द कलकत्ता बेस्ड एंट्री ऑपरेटर्स एंड देयर आफ्टर ब्रिंगिंग द कैश इनटू 3 कंपनीज, कंपनीज का नाम भी दिया है और आगे 4.61 करोड़ का मेंशन भी यहां पर कोर्ट ने बड़े अच्छे से किया। आपने पढ़ दिया ऑर्डर का अंजना जी, मैं एमसीडी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। अंजना जी, यहाँ पर मसाज, एक रेपिस्ट के मसाज के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न देना चाहते थे। एक भ्रष्टाचारी, एक भोगी, एक विलासी और एक रेपिस्ट से मसाज करने वाले को भारत रत्न देने वाली पार्टी, ये यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे। मैं एमसीडी पर भी बताने वाला हूँ कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। बताएं, 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को हमने यहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी दी। ये रावण की तरह हंसना बंद करे। देखिए मैं एमसीडी पर ही बोल रहा हूँ, ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाकर नहीं, अंजना जी, अंजना जी उनके व्यवहार को भी देखिए, ये उचित बात नहीं है। देखिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चुनाव कौन जीतता है ये आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे नतीजे आने पर। यहाँ पर मेरा व्यवहार देखिए, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि और ये जनता जनार्दन भी देख रही है। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा राघव भाई, सम्मान पूर्वक हम डिबेट, राघव भाई एक बात तो कान खोल के याद रखो, आप बताइए तुम्हारा वो ताहिर हुसैन और तुम्हारा वो सत्येंद्र जैन दोनों ही चोर है, दोनों ने भ्रष्टाचारी है। ताहिर हुसैन चोर है कि नहीं? लैंडर पे कितना? ताहिर हुसैन भ्रष्टाचारी है कि नहीं? लैंडर पे कितना? नहीं है। ताहिर हुसैन गुंडा नहीं है? ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है? बोल रहे हैं ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है? ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सब कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ पर प्रायोजित लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है। सत्येंद्र जैन, मैं लोगों से जानना चाहूंगा, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अच्छा संबित जी आ जाइए। नहीं अंजना जी, ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है अगर कहने की हिम्मत ये लोग रखते हैं। सोचिए ये लोग देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जिस आदमी ने दिल्ली को, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो मोहल्ला क्लिनिक का जनक है। वो मौसी को हार्ट अटैक से मर जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले को, वो सोले वाली मौसी हार्ट अटैक से मर जाएगी। अब बैठ जाइए, बैठिए। ना, सुनिए मैंने अंजना जी, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए ये लोग कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारत रत्न मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, अपनी बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है? उचित है? बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है?
अंजना जी, मैं तो ये डिबेट कर नहीं सकता। बेटी के रेपिस से मसाज कराना उचित है, ठीक है, अगर ये लोग कह सकते हैं। अब बहस को वापस एमसीडी पर लाते हैं। आप दोनों ने अपना अपना पिच कर लिया। बेटी के रेपिस से मसाज कराना उचित है कि नहीं है, तो आप पॉइंट ही कहेंगे ना उसके आगे? अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आपने पॉइंट कर दिया, जनता को तय करने दीजिए। एमसीडी चाहिए, एमसीडी चाहिए ही नहीं है। अरे चलिए, पार्टी के कार्यकर्ता, सब तरह के लोग, जनता है ही नहीं, जो कह रहे हैं कि रेपिस से मसाज कराना उचित है, वो जनता कैसे हो सकता है?